और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार के। आपको बता दें कि शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने विकास भवन में खाद्य और साथ ही शहरी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि यहाँ पर अधिकारियों से आगामी धान खरीद की भी तैयारियों को लेकर बातचीत की और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभागीय अधिकारियों ने यहाँ पर बताया कि जिले में यहाँ पर 97% राशन कार्ड आधार से भी लिंक हो गए हैं। और वहीं शहरी विकास विभाग की यहाँ पर समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री ने कहा है कि शहर की साफ सफाई में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल, लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने राशन की दुकानों के आवंटन ने राशन कार्ड बनाने विभिन्न जो है स्थानों में यहाँ पर धान क्रय केंद्र खोलने और साथ ही राशन वितरण से संबंधित मामले, राशन कार्ड से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर निस्तारकरण और साथ ही उनकी समस्या को लेकर भी मुद्दा उठाया। गंभीरता से लिया गया है। जो दुकानें अटैच की गई हुई, CDO साहब से बता दिया है कि एक सप्ताह में उसका निस्तारण करें। जहाँ की जो दुकानें उस दुकान को वहाँ खोलें, जो पात्र है उसको दें। और हर विधानसभा में चार चार दिन का कैंप खाद्य विभाग लगाए, वो विधायकों से पूछ के लगाए कि कहाँ लगाना है, वो जहाँ कहेंगे वहाँ लगाएंगे। और उसमें हर विधानसभा में एक एक दिन DSO स्वयं रहेंगे। धान खरीद के लिए चर्चा हुई है, धान खरीद के लिए सब तैयारी कर ली।